लगातार सभी के घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुए। का नाम है भाई? राजेंद्र कुमार निषाद। अच्छा, भारी बारिश हुई थी, कतिक नुकसान हुए? इस पर जाते थोड़ा स्लाइड आ रहा। नुकसान तो कभी 15-20-25 हज़ार के नुकसान हो गए अब से। 15-20-25 हज़ार के नुकसान, ज़्यादा भी हो। अब कहाँ एक एक ठेला देखबे तो कहाँ का बही से बारिश के बाढ़ में किराने का दुकान है भैया मन के। अच्छा, पूरा दुकान का नुकसान हो गया है। पूरा पानी भर गया, ये तो पूरा भर गया था, ये तो भर गया रिस पूरा। तेल तेल 4-5 किलो रिस है, तेल गिर गए डब्बा वही मारे है, और बेसन फेसन तेल वेल सब गए साहब। अच्छा। साहब सब सड़ गए, तेल फूल सब, किराना दुकान बहा गए, पानी बाजार में घर वर सब डूब गए, कपड़ा लत्ता नहीं, खाए बर्तन नहीं, चावल दाल आटा गीटा सब फूल गए साहब, कुछ नहीं है साहब। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हुई झमाझम बारिश ने पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त करके रख दिया था। भारी बारिश हुई, भारी बाढ़ आया, काफ़ी 1.5 लाख क्यूसेक में पानी छोड़ा गया मोंगरा बैराज सहित अन्य जो राजनांदगांव जिले में बैराज हुए, और ये इलाका पूरा लबालब हो चुका था। और हमने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी बाकायदा कि इन स्थिति में लोग कैसे रहते हैं। ये पूरा भर चुका था, और ये घर आपको मकान दिख रहा होगा कि ये मकान पूरा पूरी तरीके से डूब चुका था, दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो आप देख पा रहे होंगे, आंगनबाड़ी भी पूरी तरीके से डूब चुका था। आप डार्क कलर देख पा रहे होंगे, डूबा हुआ निशान है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे सामुदायिक भवन भी देख पा रहे होंगे, ये भी पूरी तरीके से डूब चुका था। अब इस बाढ़, इस आफत के बाद लोगों को कितना नुकसान है, कितना उनका नुकसान हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। और इन लोगों से बातचीत का बाबा जयराम, बाबा जयराम हाओ, पूरा घर डूब गई इसका देखना साहब, सब का पानी डूब गए, बेसन बेसन तेल वेल है। अच्छा, तेल बेसन सब डूब गए, पूरा गए हो, पूरा गए हो गए। कतेक 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 का नुकसान हो गए तो? यहाँ का दुकान है रे, इनसे दुकान रखा, एक किराने का दुकान है भैया मन के। अच्छा, पूरा दुकान का नुकसान हो गया है, पूरा पानी भर गया, ये तो पूरा भर गया था, ये तो भर गया रिस पूरा। तेल तेल 4-5 किलो रिस है, तेल गिर गए डब्बा वही मारे है, और बेसन फेसन तेल वेल सब गए साहब। अच्छा, कुछ नहीं थे। अच्छा, बिहने को बंगेरा कुछ हो। अच्छा, तुमन कहाँ रहे हो? घर घर छोड़ दो, घर रह के वो रहा रहे हूँ। अच्छा, घर ला छोड़ दे रहे हो? हाँ। और कुछ नुकसान ना है, पैसा कौड़ी का नुकसान हो है? अभी मोर किसान ना है। और फसल वसल खेत वे थे? हाँ, अभी ये पूरा सड़ गया सब, दुकान पानी साबुन सोडा पूरा खराब हो गए, सब खराब हो गए। नारियल को तोड़ के पानी निकाले हैं। अच्छा, पानी निकाले पर तोड़े हसी ला। अच्छा, पूरा टांगे हो। देख, बाढ़ से बचने के लिए लोग जो अपने टीवी है और जो जो जरूरी राशन के सामान है वो टांगे हुए हैं। सहारा कोई नहीं है, अकेला ही था। हाँ, बेटा है तो गाड़ी मोटर में चल रहे थे, और बहु बेटा है तो घर है, और मैं एक जन हूँ, नौकरी खत्म हो गए, कोई दुकान नजीत खाद रहे, सब फसल नाश हो गए साहब, बहा गए सब। अरे, 3-4 किलो तेल डब्बा सुधा डब्बा ऐसे टांगे रहे सब, उभर में सब गिर गए, पटनी वटनी तेल वेल सब वही में लदगा रही, तो बनिहार लगा के चल भाई काले लगे धो मांजल लगे कहीं के हाँ साहब। पूरा मतलब अकेला तोर जीवन यापन चले दुकान के सहारा है ना? हाँ। दुकान रिलीज तथे जिंदा रहस तोर घर चले एक जहाँ रिथस। कल तब मंत्री मन आया रही से, बड़े बड़े नेता अधिकारी महापौर। हाँ, काबुली सुहा खोला नेता मन आई थी, मन नेता मन आते हुए को दिन नहीं आए, नहीं आए तो तुम्हारे पूरा घर डूब गई इसे देखे बन नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। अच्छा, तो खर मन के बड़े बड़े पेपर में छपे हैगा फोटो की नेता मन देखे ला है, मुआवजा के बात करे है, वो इसने मोट डाल कोई नहीं आए, तोड़ डाल कोई नहीं आए। हाँ, बना दे रहे बाढ़ आई रही से। हाँ, अच्छा बाढ़ आती गिरी से ये जब हम आसे है
कपड़ा लाते थे, टीवी रखे रहता हुआ और सब ऊपर में हुए और कुछ नहीं साफ सफाई नहीं। अच्छा, जैसे धोर लगी पानी धो अकेला पूरा साफ सफाई कर रहा था। पथरा ये कपड़ा लाता खटे पलंग वलंग पूरा खराब हो गए है। हाँ सब हो खराब। अच्छा कहाँ करूँ साहब, साहब सब सड़ गए, तेल फूल सब किराना दुकान बहा गए, पानी बाजार में घर वर सब डूब गए, कपड़ा लत्ता नहीं, खाए बर्तन नहीं, सब चावल दाल आटा गीटा सब फूल गए साहब, कुछ नहीं है साहब मोर। तो ये प्राकृतिक आपदा जो है काफ़ी लोगन के लिए विनाशकारी साबित हो गए। आप ए बुजुर्ग के भैया के आप दर्द सुन के आप मन के आँख से आंसू आ गए हुई, कबर के इकलौता है पूरा घर के देख रेख करते हैं और घर अकेला घर में रहते हैं, वो एक दुकान है छोटे से पान ठेला है उखर सहारा एखर जिंदगी चला तरीके से भजिया वजिया बनास, और वो पूरा गैस तेल टीपा सामान वामान साबुन वाबुन सब गए लगभग, एखर इतना नुकसान हो गया जेखर भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसा में अब सरकार से भाई अधिकारी सरकार साहब आप मन से सबसे मोर हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक गरीब मन के सुनो, उचित मुआवजा दो, कम से कम एखर मन से मिले नहीं आ सके हो तो हमारे वीडियो के माध्यम से एखर आवाज़ ला सुनो और बिल्कुल एक मतलब मुआवजा दिलाओ, काबर कि ये प्राकृतिक आपदा है और एक गरीब मन का बिगाड़े है जो एखर इतना कुछ नुकसान हो गया। हमारे मन साथ घर वाले है बाबा, का कुछ नुकसान हो, जिस बाढ़ जब आई से तुम्हारा कितना बजे पता चली से, तुम कहाँ गए हो? मैंने 12 बजे तो घर में घुस गिरी से, दोपहर के 12 बजे। अच्छा, ओकर बाद उतर थोड़ा सामान लपेटे और समझ गए हो कि हाँ वाला है घर। हाँ तो वादा थोड़ा सामान लपेटे और हाँ का परवा थे और गए, बात उतर सामान आधा थोड़ा लपेटे और निकले वो लपेटत ले तो आधा के अब अंदर घुस गए, एकदम बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ी। सामान लेके आप कुछ खाने बर्तन और चावल वावल थोड़ा बहुत और ओढ़े जठा के बड़ा कपड़ा लगता। अच्छा, और कुछ सामान एकदम टांग दे रहे हैं तो बारिश में भगा गए। अरे अच्छा, उखर बात कहाँ रहना हुई थी? अब वो बस्ती तरफ गए, अब बस्ती तरफ गए मांगेन घर ते एक आध रात भर की के तो दे तो वो अभी हावर नीचे। अच्छा वहीं रहो? हाँ, और एक घर पूरा डूब गई रही से, ऐसा में कितना नुकसान हो सका? पूरा बड़ी थी देखने यहाँ से बाढ़ आ रही थी, पूरा घर ये मकान डूब गई ना। हाँ, का समा रही थी जो डूबे रही से? बर्तन भाड़ा मन बर्तन है, कथरी चद्दर ओढ़े जठाई के और वही 25-30 किलो चावल रही से, अभी महीना छोड़ा रहे थे तो वो चावल भी गए, अब का पानी में डूबते थे चावल उफल जाते। अच्छा, पैसा कौड़ी अब कहाँ, अभी तबीयत खराब है, एक महीना भर हो गए तबीयत सियानी ने तो अभी भर्ती करा रहे होती है पोला पर, तो हॉस्पिटल में भी सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, ते तीजा के 2 दिन के पहली छुट्टी करा के लाओ, अब तीजा पोरा आ थे की के तब वो कहला है का डर ही अभी ते जन लोग लड़का मन 3 जन लड़की है चले गए है। अच्छा, शादी हो गए। हाँ तभी तीजा है तो 2 जन हावे। कल मंत्री मनाया रही से, नेता मनाया रही से, अधिकारी मनाया रही से, उमन से बात हुई से अपन मांग ला रखे नहीं नहीं आए नहीं आए नहीं आए कल तो पूरा शाम के छोड़ी से जाएगा। वो तो 4 बजे बाड़े छोड़ी से अबारी सुई तो चौक डहर ही सुई तो चौक डहर के लोग काला देख हम पूरा पानी देखा था ना टा गए थे उधर गीते कतिकन उधर गए यही छे उधरे तो होती उधरे अब वो में हमार जी धुकुर 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 हो गए रही से अबारी सुई तो रोड में रही सुई रोड से अपन पार्षद आर्था से बातचीत करी से और चले गई सोई तेल आपका जो घर तक देखे देखे नहीं आए हैं। 7:30 बजे तो हम आए ला धोए ला 7:30 बजे ही करी पानी है। कहाँ तक? 7:30 बजे हम दरवाजा में। अच्छा। शाम के रात में, हाँ रात में हम धोन पूरा अब तक नदी हो गई तेला। अच्छा, 7:30 बजे हम नीचे रहे हैं सब जन पूरा सिलेंडर गैस वैस में हावे गैस है हावे ना हाँ हावे वो हाँ वो कपड़ा लता चावल अमल वाने बर्तन भाड़ा कुछ गए है कोई बात नहीं करे है देखे नहीं आए घर ला न वो ते नेता कहा था तो नेता भी इसे कहा है का ऐसे वो कुछ। अच्छा, तो ये यहाँ के सियान मन के घर हरे वो ये घर पूरा लबालब डूब गए से आप मतलब बता दो, भारी नुकसान भी हो एक घर मन के
और दो दिन तक तो घर में ही नहीं रही से, भारी बारिश की जो आफत रही से, वो आप मन देखे हो कि पेपर में अखबार में पढ़े हो कि रमन सिंह हा यहाँ तक महापौर हा, आयुक्त हा, पूर्व सांसद हा, बड़े बड़े नेता मन हा जायजा ले लाया है, लेकिन एकर मन के कहना है कि एकर घर तक ना पहुँचे है, ना एकर मन से बात करें, ना मुआवजा के मुआवजा दे के बारे में कुछ बात करे। अब और भी यहाँ प्रभावित लोगों से बातचीत करने की कोशिश करबो, लगातार सभी के घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुए। का नाम है भाई? राजेंद्र कुमार निषाद। अच्छा, भारी बारिश हुई से कतेक नुकसान हुई इस प्रकार के? थोड़ा स्लाइड आ रहा है। नुकसान तो कहे तो 15-20-25 हज़ार के नुकसान हो गए अब से। 15-20-25 हज़ार के नुकसान? हाँ, ज्यादा भी हो। अब कहाँ, एक एक ठेला देखे तो कहाँ का बही से बारिश के बाढ़ में कूल एक ठन गैस सिलेंडर बह गए। हाँ, गैस सिलेंडर। अच्छा, एक कूलर पर डूब कर पूरा खराब हो गए, पंखा खराब हो गए और खटिया वटिया पलंग के पूरा गया, चादर उदर के पूरा गया हो गया। रिजल्ट डॉक्यूमेंट लिखे जरूरी है मना पूरा निकल गया हो। कुछ कुछ है फोटो कापी उसको बनाऊंगा सीधा। अच्छा, कुछ बच्चे है मतलब उधर है, दूसरे तरफ घर है। अच्छा, उसको बनाऊंगा सीधा। पैसा कौड़ी के तो नुकसान? पैसा कुछ नहीं, ऐसे 10,000 से भींगे, बस भींगी से भींगे भरे बस। अच्छा, बाकी दाल चावल नून चटनी मतलब पूरा सब चले गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। मतलब कि सुनाई माथे, मतलब कि जो भी नुकसान हो भरताना करूंगा इसे करके बोले है मतलब। और ये आंगनबाड़ी के अंदर है ना, और आंगनबाड़ी भी लगभग 12-13 फीट गहरा भर गई, इसे आंगनबाड़ी भी लगभग डूब गई मान के चल, और काफी नुकसान हुई सोया मन के। अब नुकसान तो इससे तो राशन साम तो बाहर निकल गए हैं सर, बाकी जो रेक वेक है और बाकी सामान यही में मेरे को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, और साफ सफाई करने में। मैं सुबह 6 बजे से आई हूँ साफ करने के लिए, तब से कर रही हूँ। एकदम आंगनबाड़ी ला नदी किनारे बना दे है, तो थोड़ा दिक्कत नहीं है कि हर बार बारिश आते हैं? हाँ, बारिश ही में होते ज्यादा दिक्कत है, यदि बाढ़ आते तब नहीं बच्चा मन तो नहीं आ रही से। हाँ, मतलब बाढ़ आते 2-3 दिन की छुट्टी तो अभी हो है 2-3 दिन के, ज्यादा बाढ़ आई था। बाकी यानी वो आंगनबाड़ी में ज्यादा बारिश होती रही तो वहाँ लगाते रहे हैं पहला केंद्र में, बच्चा मतलब वहीं खिलाते रहे हैं। और एक बार सीढ़ी किनारे तक के आ गई से पहला जो 15 दिन के बारिश हुई सो में, तो बच्चा मतलब और राशन सामान पूरा लेके वहीं खाना पकाना पूरा काम वहीं कराते हैं पहला वाला केंद्र में। फिर ओकर बाद ना बारिश कम हुई से तो फिर ला रहे हैं सामान ला, फिर ओकर बाद ना जैसे बाढ़ बढ़ते गई से ना फिर राशन सामान पूरा यहाँ से निकाल के ले गए रहे। तो सरकार अभी समझना चाहिए कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे मन पढ़े लाते आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी एकदम नदी के किनारे बनाए गए हैं, सरकारी आंगनबाड़ी है नदी के किनारे, और कभी भी अगर कुछ बड़े दुर्घटना हो सकती है, अचानक कभी कुछ हो गए तो बच्चा के लिए भी खतरा हो सकता है, काबर की ये इलाका ही एकदम गहराई में है, खाई में है। बाकी और भी लोगन मन से बातचीत करे कोशिश करो, वीडियो बने रहो।